नरसिंहगढ़ सिविल मेहताब हॉस्पिटल में अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ SDM सिद्धार्थ जैन द्वारा किया गया, जिसमें पीलूखेड़ी स्थित कोका कोला कंपनी की ओर से अत्याधुनिक सुविधा का रेफ्रिजरेटर उपलब्ध करवाया गया है। योजना का आशय यह है कि जरूरतमंद और गरीब व्यक्तियों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन उपलब्ध हो। इसमें स्थानीय प्रशासन व नगर के लोगों का सहयोग रहेगा, तो वहीं शुद्ध भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। नरसिंहगढ़ में जनभागीदारी द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना का शुभारंभ अवसर हुआ है, तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान तहसीलदार राजन शर्मा, नायब तहसीलदार विवेक रघुवंशी, डॉक्टर प्रदीप पाठक, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष गोपाल दास महेश्वरी, सांच की रोटी टीम के सदस्य लोकेंद्र वर्मा, विवेक शर्मा, संजय भवसार, राजू जड़िया, विधायक प्रतिनिधि योगेंद्र सह परहार, नगरपालिका उपाध्यक्ष दीपक पालीवाल, समाजसेवी भगवती शरण शर्मा, बंसीलाल जी गुप्ता एवं नगर के अन्य गणमान्य नागरिक व्यापारी मौके पर मौजूद रहे। नियम के साथ काम हम लोग करते हैं, कोई भी गैर कानूनी काम में सहयोग नहीं देते। सर का एक बहुत दिन से आग्रह था, क्योंकि उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहती हूँ कि हमारे यहाँ चूँकि अटलांटा तक ये प्रोसेस गई है। इस तरह का ये पहला काम है कि हम अपना जो व्यावसायिक कूलर है वो इस तरह के चैरिटी काम में दे रहे हैं। इस तरह के कूलर में बकायदा ऊपर कोको कोला का ब्रांडिंग सब करके उसमें हमारा प्रोडक्ट सेल होता है ना, हम अपनी उसमें प्रोडक्ट फ्रूट्स और कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं। ये पहला प्रयास है, तो मैं सर को उसके लिए धन्यवाद दूंगी। बट इस कूलर की शान बनाए रखी है, जिस तरह से आज तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कोको कोला में कोई मिलावट हो या कोई गड़बड़ी हो, तो ये एक उसका प्रतिनिधि आपके अस्पताल में है, आपके नरसिंहगढ़ में है, तो इसकी बिल्कुल जो शान है वो बना के रखना आप सबका। और जो भी चिकित्सा विभाग जो होता है वो व्यक्ति को जीवन दान देता है, तो हम कोशिश करें इसमें ताज़ा भोजन हो, जो भोजन दूसरों को और अच्छे से जीवन सर्वाइव करने के लिए, जीवन देने के लिए काम आए, वैसा भोजन हम रखें। जो भी NGO, जो भी होटल इस तरह जो भोजन रखेगा वो जो हम खा सकें वैसा भोजन इसमें रखने की कोशिश करें। और मैं फिर से एक बार जैन सर का बहुत सारा शुक्रिया अदा करती हूँ, उसको आप बनाए रखेंगे। और ये परंपरा जरूरी नहीं है कि कोको कोला ही फ्रीज ला के दें, हम सब भी अपने छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन से इस तरह के प्रयास और नरसिंहगढ़ में कर सकते हैं। दूसरी एक चीज सर, अभी बैठे मैं जब भी नरसिंहगढ़ आती हूँ तो जहाँ उसकी प्राकृतिक सुंदरता है वही हम सब ने इसको बहुत गंदा करके रखा है। जितने आपके नदी नाले रस्ते में पड़ते हैं उसमें बहुत गंदगी है। एक शुरुआत वो भी करें कि जो कश्मीर मालवा का कश्मीर कहलाता है फिर से उसको बना के अपने भावी पीढ़ी को दें या वर्तमान पीढ़ी को दें, वो एक प्रयास कहीं से शुरू होगा, मुझे बहुत खुशी होगी। ये सुविधा निःशुल्क भोजन की उन लोगों के लिए है जो गरीब हैं, जो यहाँ पर हो सकता है इमरजेंसी के टाइम आए, भूखे रहें, उनको 8-9 घंटे का लेकर लोगों को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, या फिर कोई भी ऐसा अन्य जन जो यहाँ पर हो उसको भूख लग रही है यहाँ पर आके खाना ले सकता है, खा सकता है। इसमें हम फ्रूट्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, मिठाइयाँ हो गई, और पेरिशेबल फूड जो हम डेली रिप्लेस करेंगे वो रोटी सब्जी और पूरी सब्जी वाला खाना भी हम यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे। सर इसमें कब तक ये मतलब दोनों टाइम चलेगा या एक टाइम? इसमें क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो मेन माध्यम है वो दान का है, तो टाइम इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसे इसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल अपने मिठाइयाँ हैं, ये सब आपका 24 घंटे 3-4 दिन 5-6 दिन तक चलती है, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त आके यहाँ से खाना ले सकता है, अपना भरपेट जितना भी है यहाँ पर जितना भी उसकी इच्छा है खा सकता है। नहीं, एक और जो शान रोटी चलती है क्या उनके माध्यम से भी रोटी का? तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल दोनों चीज़ें लग रहे हैं, तो पेरिशेबल में आपकी रोटियाँ हो गई, तो यहाँ सांझ की रोटी करके एक बहुत अच्छी एक मैं कहूँगा कि सोशल सर्विस लोग करते हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने का प्रॉमिस करा है कि वो पर डे यहाँ पे कोशिश करेंगे कि 5 फूड पैकेट्स उपलब्ध कराएं। सर किस तरह की जनभागीदारी इसमें रहेगी? सर
फिलहाल सबसे पहले जनभागीदारी जो हुई है यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे सब ने कहा है कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे, पूरे साल में एक एक दिन एक एक व्यक्ति को अलॉट कर दिया जाएगा स्वेच्छा से, जिसकी जो इच्छा होगी तो उस दिन वो व्यक्ति यहाँ पर आके कुछ फल फूल कुछ मिठाइयाँ कुछ खाने का पैकेट रख सकता है।